दमण स्थित आवेला दमण कोस्ट गार्ड एर स्टेशन द्वारा आज दमणना दरिया में 14 लोगों रेस्क्यू करायो। वलसाड माछीमार डिपार्टमेंट थी दमण एर स्टेशन में खबर मळता के दमण दरिया थी 15 किलोमीटर दूर एक तुलसी देवी नामनी बोटन एंजीन बंद थता ते दरियाना तोफानी हवा में फसाई थी जेनी अंदर 14 लोग फसाया था जेने दमण कोस्ट गार्डनी टीमे पोताना जाननी परवाह कर्या वगर तेओनी फरज बजावी जे 2 कलाकनी अंदर तेओए 8 लोगों रेस्क्यू करी बधा जीव बचावी परत कोस्ट गार्ड एर स्टेशन दमण पर परत ले आव्या हता। पछी तेओने मेडिकल सारवार आपी तेओने खावानू आपीने आगळ तेओने वलसाड फिशिंग विभाग ने सुप्रत करशे। कोस्ट गार्ड एर स्टेशन ना जवानों द्वारा जे फरी आपना देशना आम नागरिकों ने बचाववामां आव्या हता। आपना देशना तमाम सैनिक अने कोस्ट गार्डना जवानों आपना देशनी शान छे। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल SSN वाजपेयी, कमांडिंग ऑफिसर कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन। सर आज किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और कितना टेंस सिचुएशन था? आज तकरीबन 11:35 के आसपास हमें हमारे हेडक्वार्टर से और उसके बाद कुछ मिनटों बाद ED फिशरीज वलसाड़ से इंफॉर्मेशन मिली कि एक बोट है वलसाड़ के तट के समीप जिसका नाम है तुलसी देवी, वो महिम में रजिस्टर्ड है और उसमें कल रात से पानी भर रहा है जो गुजरात के एक हार्बर से निकली थी और उसमें इंजन फेलियर हो गया है। जब भी बोट में इंजन फेलियर हो जाता है तो उसके साथ उसका पावर फेलियर भी हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बोट ना चल सकती है और अंदर रिसने वाला या भरने वाला पानी जो वाटर इंग्रेस होता है उसको वो पंप आउट नहीं कर सकती। इस वजह से जो उसमें कार्मिक दल होता है, मछुआरे होते हैं, उनकी जान को खतरा हो जाता है। एक समय आता है जब बोट उससे ज़्यादा पानी नहीं ले सकती और वो हो सकता है सिंक भी कर जाए। ऐसे हालात थे उस वक्त, मौसम भी काफ़ी ख़राब था, बारिश हो रही थी, तेज़ वर्षा के साथ समुद्र में तेज़ बड़ी लहरें थीं और हवा की गति बहुत तीव्र थी। हालात की नाजुकता को समझते हुए हमारे DIG एयर साहब, DIG कोरगांवकर के अगुवाई में और हवाई जत्थे 841 के स्क्वाड्रन CO के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। कोस्ट गार्ड चेतक 802 को लॉन्च किया गया दमन से और टोटल 4 सॉटीज फ्लाई करी गई जिसमें कुल 11 लोगों को बचाया गया। मौसम, तेज लहरें, वर्षा एक बड़ा चैलेंज था पर हमारे एयरक्रूमैन डाइवर ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए और पायलट्स ने अपनी कार्यकुशलता को दिखाते हुए बहुत ही कुशलतापूर्वक, बहुत ही कम समय में मिलिट्री प्रिसीजन के साथ इसी वेदर कंडीशन में फ्लाई करते हुए 11 लोगों को सकुशल निकाल लिया। वो 11 लोग अभी आ चुके हैं, उनका मेडिकल हो चुका है, उनको रिफ्रेशमेंट दिए जा चुके हैं और कुछ देर बाद हम उनको यहाँ से फिशरीज डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर देंगे। ओके, करीबन 11:30 आज सुबह हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला कि एक बोट जिसका कि कल इंजन फेलियर हो गया था और उसके बाद वो बोट अड्रिफ्ट था, उसमें फ्लडिंग हो रहा था। ये इन्फॉर्मेशन हमारे हेडक्वार्टर से हमको मिला। हमने 11:40 पे अपना हेलीकॉप्टर लॉन्च किया। बोट का नाम तुलसी देवी था जो कि मुंबई में रजिस्टर्ड है और काफ़ी बारिश और रफ सी कंडीशंस में ये इस रेस्क्यू को किया गया है। बोट उसमें पानी भर रहा था, वो अड्रिफ्ट थी और उससे जो सी स्टेट था वो इतना रफ था कि वैसे वहाँ से बंदों को निकाल पाना सर्वाइवर्स को काफ़ी मुश्किल था। उसमें उनको हमने अभी इनको निकाला है और 11 बंदों को सेव करके लेकर के आए। टोटल कितने लोग थे? टोटल ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। बोट से जितने भी हमने निकाल सकते थे वो हम सबको निकाल के लेकर के आ गए। आपका नाम? मेरा नाम कमांडेंट दुर्गेश चंद्र तिवारी है। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज आप दमन स्थित इंडियन कोस्ट गार्ड दमन एर स्टेशन में ज्यां हमणां खबर मळी हती 11:30 वाग्याना आसपास कि दमन
દરિયાથી દમણ કાંઠાથી 14 કિલોમીટર દૂરની રેન્જમાં એક મુંબઈથી આવતી માહિમથી તુલસીદેવી નામની એક બોટ જેનું ટેકનિકલ કંઈ પ્રોબ્લેમ આવવામાં તે દમણમાં ફસાઈ રહી હતી અને એમાં કુલ 14 માછીમારો એમાં ફસાઈ રહ્યા હતા, જેમાં દમણ ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા રેસ્ક્યુ ચાલી રહ્યું છે, જેમાંથી તે લોકોએ સુરક્ષિત 8 થી 9 જણાને અહીંયા બચાવીને લઈ આવ્યા છે. તો આપણે એ લોકો જોડે વાત કરીશું કે શું થયું હતું ને શું ઘટના બની હતી. શું નામ છે આપનું સાહેબ? શાહરૂખ. ક્યાંથી આવ્યા છો તમે? ભરૂચ. તો શું ઘટના બની હતી આજે? અમારા જરાક ઇન્જિનને પ્રોબ્લેમ હતા એટલા માટે અમે લોકો ફસાઈ ગયા હતા ત્યાં ઘડી. અમારા લોકો બોર્ડમાં 14 જણા હતા, અમારાથી 9 જણા આવ્યા છે, 4 જણ બાકી છે જે બોર્ડમાં જ. તો કેટલા દિવસથી તમે ત્યાં ફસાઈ? 2 દિવસથી. તો હમણાં જે તમે અહીંયા કયા જગ્યા પર સ્થિત છો? હમણાં કઈ કયા જગ્યા પર છો તમે? હમણાં દમણ. દમણ કોસ્ટગાર્ડમાં. આ લોકો મને બચાવે છે, જાન પર ખેલીને આ લોકો. આ લોકોને બહુ બહુ આવાડ છે, હજુ બાકી છે આવવાના માણસ, એ લોકોને બચાવવા ગયેલા છે હમણાં જોઈને. તો દર્શક મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયા 14 લોકોમાંથી 9 જણને સુરક્ષિત પાછા પરત લાવ્યા છે અને તે લોકોની મલમપટ્ટીને એ લોકોને બધી વસ્તુની ખાવા પીવાની સુવિધાઓ પણ દમણ કોસ્ટગાર્ડ અહીંયા કરી રહી છે અને હાલ ફિલહાલ રેસ્ક્યુ ચાલી રહ્યું છે ને ઉમ્મીદ છે કે એ લોકોને પણ બચાવીને લાવવામાં આવશે. દમણ, મનજીતસિંહ, S9 News, વાપી, વલસાડ. મનજીત સિંહનો રિપોર્ટ, S9 News, દમણ.